तेरे ही नाम से हरि तदा है, तेरे ही नाम तक 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 हरि तहा है, तेरी हम दो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाह 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 सकीना सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह कायम दायम रखे माशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाली मोहम्मद, रब्बि इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। खुदा ताला हमसे आखिर
चाहते क्या हैं? खुदा सिर्फ़ एक ही काम चाहते हैं और वो चाहते हैं इंसान की जहन साजी करना। मैं अक्सरियत में ये सोचता हूँ कि खुदा जहन साजी क्यों करना चाहते हैं। मेरा गुमान ये कहता है कि खुदा सिर्फ़ इसलिए जहन साजी करना चाहते हैं ताकि आपकी किरदार साजी हो। और किरदार अच्छा क्यों नबी चाहते हैं, क्यों अल्लाह ताला चाहते हैं कि आपका किरदार अच्छा हो? खुदा हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकता क्यों कोई बद किरदार इंसान उसके नबी से मोहब्बत का दावेदार हो। खुदा ताला का ये अज़म कि मैं किरदार साजी करूँगा ताकि बाकिरदार लोग मेरे रसूल का नाम ले सकें। आज पाकिस्तान की बावर्दी उन नौजवान लड़के और लड़कियों से आपका तारुफ़ करवाऊँगा जिनका महाज़ जंग जो है वो सड़कें हैं, जहाँ पर कि आपके बेटे और बेटियाँ माशाल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इंतहा की बदतमीज़ी के जो रंग हैं वो बिखेरते हैं। और आने वाली जो चांद रात है उसमें वो जो करेंगे उस पर सवाए इसके कि इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाए और कुछ कहा नहीं जा सकता। लाहौर के CTO साहब हमारे साथ हैं, कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ हैं इमरान साहब, इमरान साहब, हजरत अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं जी? हुजूर, सबसे ज्यादा तो ये पहले मुझे बताइए कि क्या आपको लाहौर में कोई ट्रैफिक के मसाइल वाकई समझ में आते हैं? जी, लाहौर एक 1772 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें एवरेज तकरीबन टोटल 8 मिलियन, में टाइम बचाने के लिए बता रहा हूं, 8 मिलियन के करीब गाड़ियां रोड के ऊपर होती हैं। 8 मिलियन डेली? एक मिलियन में 10 लाख है। 11.5 मिलियन की पॉपुलेशन और 8 मिलियन के करीब गाड़ियां लाहौर की रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड है। वाह, ठीक है जी। और उसके साथ जो 1947 में रोड नेटवर्क था वो श्रिंक होता जा रहा है क्योंकि इंक्रोचमेंट बढ़ गई। हर दुकानदार ने जो बिजनेस करना है वो मेरी और आपकी सड़क के ऊपर करना है। क्या बात है? हर बंदे ने जो प्लाजा बनाना है वो डिजाइन में तो उसने बेसमेंट में पार्किंग बनाई है लेकिन वैसे नहीं, उसके बाद उसने पार्किंग खत्म करके दुकानें बना दी। शहबाज शरीफ के अंडरपासेस का कोई फायदा हुआ? जी, अंडरपासेस का यकीनन फायदा है लेकिन सिग्नल फ्री कॉरिडोर जहां पे भी बनते हैं ना उसकी एक एग्जिट स्ट्रेटेजी होती है। आप अभी देखें, आप फेस करते होंगे जब भी आप जेल रोड पे जाए ना, तो जब आप शामी चौक पे पहुंचते हैं तो लाइन जो है सदीक ट्रेड सेंटर तक आ जाती है। वजह यह है कि पीछे से तो ठोकर से आप धड़ाधड़ गाड़ियां आ रही हैं, निकालने का जरिया नहीं है, नहीं है। आगे तो मैक्सिमम 80 सेकंड के लिए इशारा खुलेगा तो वो आप पूरा दिन ट्रैफिक को कोसते रहेंगे। डिजाइन का क्या है कि जब डिजाइन हो रहा होता है तो आप लोगों से मशावरत नहीं होती? देखें, ये एक डिफरेंट टॉपिक आ जाएगा। हमारे से मशावरत होती है, मानी नहीं जाती। पिछले दिनों में एक और सिग्नल फ्री कॉरिडोर नया बनने लगा था। अच्छा, कमिश्नर साहब के पास हम गए, काइंड ऑफ हिम, उन्होंने फौरन उस पर एक्शन लिया और उसको रुकवा दिया कि वहां जरूरत नहीं है। अभी ठोकर को रीडिजाइन करने की जरूरत है, शाहकाम चौक को रीडिजाइन करने की जरूरत है, शादरा को रीडिजाइन करने की जरूरत है, ना कि जंगल है ट्रैफिक का, ना जी जहां पे देखे ना वहां पे डिजाइन के इशू है। 12 एंट्री पॉइंट्स हैं और एग्जिट पॉइंट्स हैं लेकिन वहां सिग्नल कोई नहीं है, कोई रोड ज्योमेट्री रोड इंजीनियरिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेम्परेचर बढ़ता जाता हूं तो मेरे वार्डन के ऊपर हमले बढ़ते जाएंगे, लोग बर्दाश्त नहीं करते। लाहौर में उनकी खिदमत के लिए खड़ा है जी। जो मैं एक दिन ठोकर के ऊपर ट्रैफिक स्लो चल रही थी, हमारा लड़का उसको क्लियर करवा रहा था, एक इंस्पेक्टर उसके सर पे पीछे से रात को किसी ने पत्थर मारा, 8 टांके लगे उसके सर के ऊपर। मुझे बताइए वो घर जाके क्या बताएगा कि मैं किस कौम की खिदमत करने के लिए आया हूँ। मैं कैप्टन साहब इसमें एक बात जो है ना उसका इजाफा करता चला जाऊं। मैं डिफेंस से कैवलरी आ रहा था, कैवलरी मैं फ़ोन के ऊपर बात कर रहा था, वार्डन ने मुझे हाथ दिया और मैं बिल्कुल गलत था, मुझे फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उसने रोका, उसने शीशा नीचे मुझसे करवाया, उसने मुझे सलूट किया, उसने कहा सर अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको पहचान लिया, बिलाल कुतुब साहब हैं। हाँ, कहता सर मैं आपका 500 चालान कर सकता हूँ, मैं इंशाल्लाह आपका 750 करूँगा क्योंकि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। ये बड़ी आला बात है, जहां पे पत्थर मारने वाले लोग हैं वहां आपकी तरफ से जो किरदार लोगों को दिया जाता है, यकीन कीजिए ये इंसानियत से बढ़ के है। और वो भी वो वक्त जब के धूप और तपिश की इंतहा होती है 3 और 4 बजे के दरमियान। लाल साहब, ये आपने तो बर्दाश्त कर लिया, आपकी इंडस्ट्री के ऐसे लोग हैं जो रात को 1 बजे भी फोन करने से नहीं चूकते, और साथ ये बता के आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, जी वार्डन ने मैनू रोक लिया, जी तुसी जनाब ने कोई गलती की होगी, बस जी हेलमेट नहीं सी पाया तो रॉन्ग साइड से आ रहा सा, तो बाबा को रोकेगा नहीं तो और क्या करेगा। और मैं कहता हूँ, मैं लल्लाम कहता हूँ, बरमला कहता हूँ कि मेरी सिफारिश पे वार्डन किसी को नहीं छोड़ेगा, एंड वार्डन शुड नॉट डू दैट, वार्डन शुड फॉलो द लॉ। और उसने, आपने उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन 90% लोग कंप्लेंट करते हैं। और मैं आपको जो लाहौर में पिछले साल 1371 प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हुए जी, एवरेज 4 प्रोटेस्ट पर डे बनते हैं। माल रोड 1 घंटे के लिए ब्लॉक हो तो सारा लाहौर बंद हो जाता है। सर 13,500 गाड़ी जो है गुजरती है 1 घंटे में माल रोड में, तो अगर देखें 1 घंटे के लिए फैसल चौक ब्लॉक हो जाए और इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं 4 वो ब्लॉक हो जाए, एवरेज डेली 4 तो हो रहे हैं ना सर 1-1 घंटे के लिए, तो वो जो 50,000 गाड़ी है उसको नॉर्मलाइज करने में 4 घंटे 5 इनको लग जाएंगे वार्डन को। मुझे लगता है सिर्फ मोइज़ा चाहिए,
जी सर, मतलब मौजज़ा चाहिए और सर ये मौजज़ा है, ये अभी भी जो ये हमारे बच्चे इतनी गर्मी में और इतने टेम्परेचर में, रमजान को ही आप देख लीजिएगा, रमजान सब्र और तहम्मुल का दर्स देता है ना, लेकिन रमजान उतनी बेचैनी हमें सबसे ज्यादा बेचैनी का अलावा साहब जो हमने इंतहा करनी है ना बेचैनी पे, इंशाल्लाह ताला, ये मैं इंशाल्लाह ताला तंजन कह रहा हूँ, इसको सच्ची ना समझ लीजिएगा, जो हमने इंतहा करनी है ना वो चांद रात को बदतमीजी करनी है, हमने अब्बा की नहीं माननी, उस ये रमजान का सोल्यूशन ये निकलेगा उस शब्द को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इब्तिदा में एक बात अर्ज़ कर दूँ कि उलमाए हाल और उलमाए माजी, इन्होंने इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे करवाया लोगों को, लेकिन इत्तेफाक कहिए या बदकिस्मती कहिए कि लोग मुतवज्जे नहीं हुए कि जो अफराद हमारी खिदमत पे मामूर हैं वो असल में हमें आज़ादी देने के लिए खड़े हैं, हम जिसको पाबंदी समझ रहे हैं असल में वही आज़ादी है। अगर ये लोग काम छोड़ देंगे तो फिर जो हमारा हाल होगा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, हाल नहीं होगा, वो हशर होगा जी, वो हशर होगा, उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं होगा। ये बिले जैसे बच्चा एक ख्वाहिश कर रहा हो कि मेरे वालिदैन मौजूद ना हो, जैसे एक तालिब इल्म ख्वाहिश कर रहा हो कि मेरे असातिज़ा ना हो, तो जो सिस्टम है वो आपको पाबंद तो कर रहा है, वो बज़ाहिर पाबंदी लग रही, लेकिन वो पाबंदी नतीजतन एक आज़ादी की तरफ आपको लेके जा रही है। क्या पुरसकून है? एक सिस्टम है जो जिसे फॉलो किया जा रहा है, लोग सर्व कर रहे हैं और आप मजे से जो है वो जा रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं कि कौन सी रोड बंद हुई और आप कौन सी वक्त पे जाऊंगा, मैं वक्त पे जाऊंगा, वापस आऊंगा और आपको वो चेहरे वो दिखाऊंगा जो कि किस तरह के होते हैं, जो कि खड़े सड़कों के ऊपर आपकी हिफाजत कर रहे हैं और ये जो सुन्नत पूरी कर रहे हैं वो पता कौन सी है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको उम्मतियों को कमर में हाथ डाल के आग से खींच रहे हैं कि आग में ना गिरो, ये आपके बच्चों को कमर में हाथ डाल के खींच रहे हैं मौत से ना मरो। वापस आते हैं, आपको इन फरिश्तों से मिलाते हैं। सफीना लिख दे जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातब तकदीर मदीना लिख दे हम भरी।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह को चाहिए तो ये कि वो ये फरमाएं कि जनाब गुनाह कोई ना करे, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया हदीस कुदसी, अल्लाह कहते हैं कि जिसको मैं भलाई देना चाहता हूँ उसके दिल में एहसास गुनाह जो है वो डाल देता हूँ, और जिसको मैं भलाई नहीं देना चाहता वो गुनाह को यूँ झाड़ता है जैसे कंधे पर बैठी हुई मक्खी को। आयशा बेटा, आप कब से पुलिस में हैं? मैं 2006 में आई थी। माशाल्लाह, काफ़ी अर्सा हो गया। क्यों आई जी? 2006 में ऐसा था सर कि मुझे यूनिफॉर्म से मैं इम्प्रेस होती थी। मेरे जो फादर थे वो एयरफोर्स में थे। कर लेती मेरे फादर एयरफोर्स में थे। अच्छा। और मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो पुलिस में थे। हाँ। तो यूनिफॉर्म से मैं इम्प्रेस थी उनकी, और उनकी ग्रेस थे। मुझे भी तकलीफ हुई आने में, कोई दिक्कत हुई, किसी ने रेजिस्ट किया? ऐसा है कि हाँ जी, फैमिली में काफी लोग कहते थे मदर को, फादर को, कि अब कुछ फर्क पड़ता है, अब फर्क पड़ता है इतने सालों बाद? अब नहीं, अब तो इतनी सब एजुकेटेड हैं और फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को, अब तो ऐसा कोई। आप मैरिड हैं? हाँ जी मैरिड। ससुराल में कभी कोई? ससुराल की तरफ से भी नहीं, फैमिली की तरफ से सपोर्ट है, इन लॉज की तरफ से भी फुली सपोर्ट है। क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड भी ट्रैफिक वार्डन है। तो मतलब वो डरने डरेगा तो नहीं ना आपसे फिर भी? फिर तो कोई टैक शेक तो आपका घर में ना हुआ? हाँ जी। चुप कह रही है। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात। साथ वाली बहन बेटी बैठी है। ये बताइए, मिसाल दे रहा हूँ आपको मैं, ये बड़ा जहाद है, इस पर कोई दो राय नहीं है। 8 घंटे भी कोई खड़ा कर दे तो बड़ी बात होती है। मैंने आप लोगों को 12-12, 14-14 घंटे खड़े देखा है। ईद वाले दिन भी जो है वो खड़े होते हैं लोग। ये बड़ी कुर्बानी है, इस पर बहस नहीं है। एमएम आलम रोड की ट्रैफिक को आप लोग सारे मिलके क्यों ठीक नहीं कर सकते हैं? बहुत हद तक ठीक कर दी है। अच्छा, इसके बावजूद वहाँ पे आप इस वक्त चली जाए ना तो यकीन कीजिए वहाँ से गुजरा नहीं जा सकता। हर बंदा लगता है वो मौत से पहले एमएम आलम रोड जरूर रोटी खाना जाता है। इसका जवाब मैंने देना है। जी। इसका जवाब ये है सर कि ये कमर्शलाइजेशन पॉलिसी का इशू है। एज पर कमर्शलाइजेशन पॉलिसी, जहाँ 1,000 square foot कंस्ट्रक्टेड एरिया के अगेंस्ट आप एक गाड़ी की जगह छोड़ते हैं सर जी, तो अगर आप देखें 6,000 square foot जो है ना, एक कनाल का प्लॉट 3 मंजिला बनाए ना, तो 6,000 square foot बनता है सर। इसका मतलब है कि उसके अगेंस्ट टोटल 6 गाड़ियों की आपने पार्किंग छोड़ दी, जबकि वहां खाना खाने 100 बंदे से ज्यादा आता है। तो अगर 100 गाड़ी है तो वो कहां खड़ी होगी? मेरी और आपके रोड के ऊपर खड़ी होगी। तो किसने सोचना होता है ये? मेरा सर, ये आपका काम नहीं है। इट्स वंडरफुल, बहुत खूबसूरत आपने बात की है कि ये 25 महकमे हैं जिन्होंने काम करना है, लेकिन सोचने की हक सिर्फ जिम्मेदारी वार्डन के जुम्मे है, क्योंकि वो सड़क पे आपको खड़ा मिल जाता है। सारे लोग उससे लड़ते हैं। क्या बात है, वो क्या कोई उससे नहीं पूछता जिसने प्लानिंग करनी है, ठीक है। कोई उससे नहीं पूछता जिसने कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई उससे नहीं पूछता जिसने इन्फोर्समेंट करनी है, कोई उससे नहीं पूछता जिसने डिजाइनिंग करनी है, कोई उससे नहीं पूछता जिसने चिंची को अलाउ किया रोड की या रोड के ऊपर आने से। लेकिन क्योंकि वार्डन खड़ा, तकलीफ दी है चिंची ने सर, तबाही उतार दी हमारे शहर की। आप देखें ना, आप उसको रोक ही नहीं सकते। वो जब मर्जी एहतजाज खड़ा शुरू कर देता है, एहतजाज करता है, आप उसका चालान करें, वो 7 बंदे बल्कि 10 बंदे बैठा के गाड़ी के नीचे आ जाता है, बंदे मार देता है। जब उसके खिलाफ कार्रवाई करें कि आप इलीगल हो, आपका परमिट कोई नहीं, रजिस्ट्रेशन कोई नहीं है, तो वो दरख्त के चढ़ के ऊपर एहतजाज करता है। पूरा दिन आपका कैमरा दिखाता रहता है कि ट्रैफिक पुलिस के जुल्म का एक और शिकार सामने आ गया। उसने अपने चिंची को आग लगा दी। नोबडी टेल्स दिस थिंग कि ये सफर कितना कर रहे हैं हम लोग। आप अभी मैंने मेरे खिलाफ तकरीबन हर दूसरे दिन एहतजाज करते हैं चिंची वाले कि हमें ये जो मेन 5 रोड्स हैं इन पे क्यों नहीं आने देते। किस अल्लाह के वली ने चिंची अलाउ किए थे और टांगे बंद किए? ये वली की बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन आपने बताई। अगर वलायत इस तरह मिलती है तो फिर ऐसी भी गलत काम शुरू कर देने। आपको कोई अपने महकमे में तब्दीली चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा महकमे, बहुत अच्छा सीटियो सब लेके चल रहे हैं और बहुत प्योरिटी दे रहे हैं लेडीज को, एंटी हरासमेंट। आप लोगों को सड़क पे कोई तकलीफ नहीं होती? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती। छेड़े, कोई तंग करे? देखें, अगर आपका कमांडर जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, 7 वाली बच्ची को देना, ये इसको देना, ये सबसे छोटी जो बच्ची बैठी हुई है, कितनी उम्र है बेटा आपकी? 22 साल। तो बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं गई आज? अच्छा ये बताओ कि सड़क पे ड्यूटी की है कभी? जी बिल्कुल, मैंने 6 माह रोड ड्यूटी की है। तकलीफ हुई कोई? कोई मसला हुआ? बिल्कुल, जब हम रोड पे होते हैं तो डिफरेंट जो लोग होते हैं उनका बिहेवियर हमें जो है वो देखना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हमारे मुआशरे में बहुत अच्छे लोग भी हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस था, मैं GPO चौक पे ड्यूटी कर रही थी और गर्मियों के दिन थे, काफ़ी टेम्परेचर था उस टाइम, हीट थी, तो कार वाला एक आया स्टॉप लाइन पर, उसने कार अपनी स्टॉप की है और हॉर्न बजा के उसने मुझे बुलाया कि ये ठंडे पानी की बोतल आप पिए, आप टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्मी है और आप यहाँ पर खड़ी हैं। तो बहुत अच्छे लोग भी हैं हमारे मुआशरे में, नो डाउट अप्रिशिएट करते हैं। मुझे एक बात और अच्छी लगती है, अगर वो हॉर्न ना बजाता और बाहर आके खुद देता अपनी बेटी को,
ये ज्यादा अच्छी बात होती है। लेकिन मैं उसको दिल से, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं जब भी उसको सोचती हूँ कि उसने हॉर्न बजा के मुझे बुलाया और ठंडे पानी की बोतल अपनी कार से निकाल के पीछे देना बेटे को। आपका नाम क्या है? सर मौज़म अली। मौज़म, आपकी तालीम कितनी है? सर एमफिल है, मैनेजमेंट साइंस। माफ कर दे, खुदा की कसम माफ कर दे, एमफिल करके तुम पुलिस में हो? सर आपका क्या मतलब है कि पुलिस में सारे एमफिल है? सर एमफिल का क्या मतलब? हमारे हमारे डिपार्टमेंट में 90% जनसे हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट, और इस वक्त ये डिलीवर कर रहे हैं बच्चे। सर आप देखें लाहौर में, आपको पता है कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 83% न्यूरोसर्जरी के पेशेंट्स आने बंद हो गए हेड इंजरी के, न्यूरोसर्जरी में, जो इन्होंने हेलमेट पहनवा दिए लोगों। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कभी सोचा है कि कुछ और करता, प्रोफेसर बनता, ना आता यहाँ पे? सर माशाल्लाह से मेरे घर में, वैसे मेरे वालिद साहब प्रोफेसर हैं, सिस्टर प्रोफेसर हैं, बाकी डॉक्टर्स, तो मुझे एक चार्म था कि यूनिफॉर्म पर्सन, क्योंकि घर में कोई ऑलरेडी पहले फैमिली में कोई भी इस तरह का यूनिफॉर्म पर्सन नहीं था। आपको कभी कोई नॉन सीरियस लेते हैं लोग? नहीं, पहले था कुछ, शुरू में था कुछ थोड़ा सा इस तरह का, फैमिली में भी कि क्या किस डिपार्टमेंट में चले गए हो, तुम्हारा मेंटल जो है, मेंटली अप्रोच जो है वो उस तरह मैच नहीं कर रही, तो वो इस तरीके से। लेकिन माशाल्लाह से जिस तरीके से, क्योंकि मैं एक यहाँ पे एक अपने आप को एक फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारा वो डिपार्टमेंट है कि जो तमाम के तमाम इस वक्त मैं आपसे सर शेयर कर रहा हूँ, 90% हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, 20% एमफिल कर चुके हैं, इस वक्त पीएचडी में इनरोल्ड है कुछ लोग। ये सर आगे सही था तो देना यार, ये क्यों आप इतने तालीम याफ्ते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रॉब्लम नहीं है सर, बेसिकली ये जो है हमारा एक समझ लें एक एम है, ठीक है, मतलब इनके पढ़े लिखे जो लोग हैं वो पुलिस में आएंगे और फिर वो आगे से लोगों को, जो रोड यूज़र हैं उनको भी इस हवाले से एजुकेट करेंगे। पढ़ लोग सड़कों पे होंगे और आप उनकी तालीम करेंगे? जी बिल्कुल, मैं सर आपसे ज़्यादा लोगों को हमने एजुकेट किया सर पिछले साल में। क्या सर, मैं यहाँ पे आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो यहाँ पे शामिल करना चाहूँगा प्रोग्राम में, वो इस तरह से है कि रोड के ऊपर तब वायोलेशन कम होगी जब रोड यूजर्स को ट्रैफिक रूल्स के मुतालिक जो है इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और अभी हम देखते हैं, जो है ये दुबई उतरते हैं इनको सारे कानून याद आ जाते हैं, जब ये लाहौर वापस आते हैं सारे कानून भूल जाते हैं। ये बेटे को देना अगले। सबसे ज़्यादा बुरा तजर्बा ज़िंदगी का? सर ऐसा कोई नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र है, वर्दी में ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब फेस करते रहते हैं दौरान ड्यूटी। बच्चे को कहो कि आइंदा जाए पुलिस में? जी बिल्कुल सर, पक्की इसी तरह सर पढ़े लिखे लोग आएंगे सर। कमाल बात है, कमाल बात है, मोटिवेटेड। क्या चीज़ डीमोटिवेट करती है आपको कि यार क्या कर लिया मैंने? डीमोटिवेट यही करती है कभी कभी, बार दफा जो लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा बैड हो जाता है वो फील होता है। लेकिन खवातीन बैड बिहेवियर करती हैं कि मर्द? मेल ज्यादा करते हैं, फीमेल नहीं करती। फीमेल्स नहीं करती, फीमेल क्या करते हैं मसलन? मतलब कोई आपको वैसे आवाज लगा जाएंगे या कोई फिक्रा कस जाएंगे या आपके साथ मिसबिहेव कर जाएंगे, क्योंकि हमारी पे ऐसी एक पॉलिसी होती है कि हमने मिसबिहेव नहीं करना। औरतों पे फिक्रे कसते हैं, वार्डन्स पे भी फिक्रे कसते हैं सर, गाड़ी मार देते हैं सर, टांगों पे गाड़ी, बंदे जख्मी कर देते हैं, हमारे हमारे बच्चे जख्मी हुए हैं सर। बस इसलिए ये मतलब मैं क्या कहूं, मैं छब्बीस जून को कुछ नहीं कहना चाहता सर, 26 जून को जो बारिश हुई ना हमारी 340 मिलीमीटर, 1980 के बाद हिस्ट्री में हाईएस्ट हुई थी, तो मैं खुद ना अंदर वो शर्ट पहनी हुई थी तो मैं खुद रोड के ऊपर सर, 3 दफा बंदे ने मेरी टांगों में गाड़ी हिट करी। मैंने अल्टीमेटली उसको कहा, मैं कहा यार क्या आप चाहते हैं ग्रेड 25 का अफसर आके ट्रैफिक रेगुलेट करे? खुदा का खौफ करो, हम आपको बचाने के लिए ये बच्चे खड़े हैं। ये लोग क्यों नहीं रेगुलेट करते? आपने माइंड सेट कभी सोचा है क्यों नहीं करते? क्या वजह है? बस एक उनका ज़ेहन बना हुआ है कि जी हमने ये काम करना, और उसको खुशी फील करते हैं कि भाई हमने कानून तोड़ा और वो बड़ा अच्छा फील करते हैं। आपको लगता है कि लोगों को मजीद तालीम देने की ज़रूरत है? जी सर बिल्कुल, और उसका क्या तरीका होगा? सर हमने एजुकेट करना है, और एक प्रपोजल है कि जो हमारे हमारा निसाब है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एक लेसन होना चाहिए ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक। ट्रैफिक का वो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यार रसूल पाक का लेसन नहीं डाल सके, ट्रैफिक का हमने कब डालना है? बस अभी तो हम खालिद बिन वलीद नहीं डाल सके, बेटा क्या नाम आपका? रुबाब। रुबाब आपकी कितनी एज है? 20 years। And it's true. अच्छा बेटा तुम कॉलेज जाओगी, तुम 22 की हो, तुमने स्कूल जाना है, आई एम सॉरी वो मैं गलत कह गया था उसको, 20 साल की उम्र में तुम पुलिस ऑफिसर बन गई हो, तुम्हारा मतलब ठीक हो ना तुम? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सोच के आई हो? जी बिल्कुल। क्या सोचा था कि क्या करना है जाके?
जी बिल्कुल, जैसे कि मेरा प्रोफेशन ही है ट्रैफिक पुलिस, तो बिल्कुल हमने फील्ड ड्यूटी की हुई है। तो नहीं डर लगता कि धूप में खड़ी होगी तो वो होगा, धूप होगी क्या होगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं डर लगता, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। कभी बाइक मिलती है चलाने के लिए? हमने बाइक सीखी हुई है, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी हैव द लाइसेंस ऑफ आवर बाइक। वो हैवी बाइक तुमने सीखी हुई है? हाँ जी बिल्कुल, 150 सीसी हमने चलाई हुई है और सीखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वाली बच्ची को देना है, इनके साथ वाली को, ये इनको इधर माइक देना जरा, ये आप 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 बेटा, क्या नाम आपका, आपका क्या नाम? जवेरिया। साथ वाली का? हुमैरा। हुमैरा, हुमैरा आप किस जगह ड्यूटी करती हैं? मैं इधर फैसल चौक में ड्यूटी करती हूँ, मैं एजुकेशन यूनिट से बिलोंग करती हूँ, मेरा काम ही लोगों को ब्रीफ करना है जी, मैं चलान वगैरह नहीं करती, जो भी हम लोगों ने चलानिंग सबसे एंड पे रखा हुआ है लोगों को, मतलब वो लास्ट स्टेप है, तो उससे पहले हम लोग कंपेन्स चलाते हैं। तो ये जो ई चलान आया है ये बड़ा कमाल का चीज़ नहीं? ये बहुत अच्छा हो गया, तीन दफ़ा मैं करा चुका हूँ। ये आप जैसों के लिए ही है जो ठीक हो जाए, जो बात सुनते हैं। क्या अच्छी बात थी, आप जैसों के लिए। एजुकेशन यूनिट का थोड़ा सा बता दूं सर, मैडम नादिया बाकर जो है ये एजुकेशन यूनिट को हेड करनी है। इसका मतलब है अपने आप को एजुकेट करना? सर मैं बताता हूँ, अपने को तो हम करते हैं, अपने को हम ये करते हैं कि हमने गोशा दरूद एस्टेब्लिश किया जो जनाब को मैंने बताया, इसके अलावा हमने ये किया हुआ कि हम कैरेक्टर बिल्डिंग के सेशंस करवाते हैं, सेक्रेटरीज से भी हम करवाते हैं अपने लोगों के, ताकि ये हमारा काम लड़ना नहीं है, कोई बदतमीजी करे हमने बदतमीजी नहीं जवाब बन करनी, हमने लीगल काम करना है, ये बात एक पोर्शन है। दूसरा पोर्शन है वो बिलीव के इन्फोर्समेंट डंडे से नहीं होती, हर जगह पे इखलाकियात से होती है, लोगों को समझाने से होती है, गाइड करने से होती है, और उसके लिए हमने माल रोड पे परमानेंट कैंप्स लगाए हुए हैं, 500,000 से ज्यादा स्टूडेंट और रोड यूजर्स को हमने ब्रीफ किया पिछले साल में, पंफलेट्स तकसीम किए हैं, प्रोग्राम्स करते हैं हम लोग सारे, और ये रेगुलर ये बच्चे करते हैं और मैं भी जाता हूँ। कमाल बात है हजरत, आपकी तरफ तवज्जो दिलवा रहा हूँ, ये बात आपने इस बात का ना दबाव दिल से देना, दिमाग से कोई नहीं देना, ये रिटायर्ड कप्तान है, पुलिस में आगे CTO ट्रैफिक हैं, हम लोगों की सारी गलाजतें जो हैं वो ये ले रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बाद 3 किताबें लिख छोड़ी, मतलब ये पाकिस्तान है, ये असल पाकिस्तान है, दुरुस्त है, ये असल पाकिस्तान है, ये तब्दीली लाएगा, ये जिहाद नहीं है। इसमें गुजारिश करूंगा जी कि मुआशरा जो है उसके अंदर हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, और कुरान ने अक्सरियत को कंडेम किया है, अक्सरियत हमेशा से ऐसी रही है, अक्सरियत ऐसी रहेगी, ये अंडरस्टूड बात है, अकलियत काम करते रहे जी, ये अपना ऑब्वियसली कुरान ने ये कहा है अक्सर हम ला याकलून, अक्सरियत बेअकल हैं, अक्सरियत जाहिल हैं, अक्सरियत ला इल्म हैं, अक्सरियत जो सुलझे हुए लोग नहीं हैं, अक्सरियत जो हैं वो अनएजुकेटेड लोग हैं, ये तो अंडरस्टूड बात है, ये माजी में भी ऐसा था, ये हाल में भी ऐसे और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही रहना है, कि अगर आपका ये ख्याल है कि अक्सरियत पढ़ी लिखी हो जाएगी और अक्सरियत मैच्योर हो जाएगी और अक्सरियत में बड़ी कर्टसीज आ जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। तो जो अकलियत बाहर के ममालिक में क्यों इतनी कर्टसी है लोगों में जी? वहाँ कर्टसी इसलिए है कि जो दुबई में मसलन चीदा चीदा सिपाही नजर आता है, होता ही नहीं है सर। देखिए आपका ये फर्ज साफ है, तो मैं वहाँ जूते उतार के आ गया हूँ, और ये ऑफिसर हैं, ये हर जगह जूते के साथ जा रहे हो, तो ये हेजिटेट कर रहे हैं यार मैं जूते क्या करूँ, तो आपने कहा कि आप ऐसे आ जाइए, इज इट ओके? जब आपका फर्श ही साफ नहीं है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग अपनी जुराबे खराब करेंगे? फर्श किसको कह रहे हैं? मैं फर्श सिस्टम को कह रहा हूँ। सबसे पहले सिस्टम को देखने की जरूरत है कि आवाम को आप सिस्टम क्या दे रहे हैं। जब मैं सड़क पर खड़ा हुआ देख रहा हूं कि 10 गाड़ियां यूं गुजर रही हैं तो 10 गाड़ियां यूं गुजर रही हैं और मुझे कोई रोक रहा है तो मुझे तकलीफ पहुंचेगी। मुझे क्यों रोका है जी? मुझे क्यों रोका है? और वो जो साहब जा रहे हैं BMW पे उनकी गाड़ी में मुझे क्यों निकाला जो है, ये हमारी कौम की ज़हनियत में है। नहीं मुझे वो एक अलग फिलॉसफी है जी। अच्छा। वो एक रोना धोना अलग है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ असल में ये लोग जो काम कर रहे हैं इनके काम में कोई कमी नहीं है, और मैं ये समझता हूँ, मुझे भी जिंदगी मेरी 20-25 साल करियर के मैं सड़कों पे हूँ, मैंने आज तक किसी वार्डन को नहीं देखा उसने मिसबिहेव किया हो, कोई बदतमीजी को, बहुत अच्छा काम करें। लेकिन इसके साथ एक चीज़ अहम है, वो ये कि ये भी आवाम को सिर्फ इस हवाले से कंडेम नहीं कर सकते कि आवाम जाहिल हैं, सिस्टम में भी फ्लॉ है बहुत बड़ा। बड़ी अच्छी बात की हजूर, मैं एक बिल्कुल 30 सेकंड है मेरे पास, इसका जवाब आपसे चाहता हूँ, ये किताबें क्यों लिखी हैं आपने? ये इसका ताल्लुक सोच से नहीं है। किससे है? अल्लाह ताला के करम से है, और अल्लाह ताला के करम और पंचतन पाक के सदके, अहले बैत के सदके, वो चीज़ दिमाग में आती है, हम लिख छोड़ते हैं, नहीं तो अदब मेरे जैसे बेअदब के बस की बात कहाँ। क्या खूबसूरत बात है, बीबी बिस्मिल्लाह कीजिए, क्या खूबसूरत बात की है, बस इससे ज़्यादा आगे बात नहीं हो सकती, वाह वाह वाह, बिस्मिल्लाह। Ali dum dum, 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 Ali dum dum,
लकड़ा जा चढ़कड़ा साया तेरे कतन वाली जी चढ़कड़ा साया दा चढ़कड़ा 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 च